Hey guys, welcome back to to my channel. So today I am going to share with with you evening date with beautiful new look. बहुत ईजी सर्ट और क्लासी जो है So video का आप पूरा देखिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करना है आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड से पहले कमेंट बिलो कि वीडियो आपको start this है बिफोर आई स्टार्ट माई मेकअप आई ऑलवेज प्रेप माई स्किन सो फर्स्ट मैं आज मॉइस्चराइजर यहाँ पर लेने जा रही हूँ सो आई एम टेकिंग गुड वाइव्स ग्रीन टी मॉइस्चराइजर फेस क्रीम और इसे थोड़ा सा अपने फेस में मैं लगाऊंगी एंड उसे लाइट मसाज करूँगी आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल हो या कोई भी मॉइस्चराइजर जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो आप उसके जगह पर ये लगा सकते हैं तो इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है नेक्स्ट टाइम मूविंग टू फेस प्राइमर सो आई एम टेकिंग ब्लू हेवन फेस प्राइमर और इसे अपने फेस के टी जोन पर अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी और लाइट हैंडेड अगेन मैं इसको मसाज करूंगी इससे आपका जो प्राइमर होता है आपका जो पोर्स होते हैं ओपन पोर्स वो मिनिमाइज करने में हेल्प करता है और आपका मेकअप लास्ट लॉन्ग रहेगा और एक आपको स्किन में हाइड्रेशन भी मिल जाती है तो मैंने अप्लाई कर लिया है नेक्स्ट टाइम मूविंग टू स्टिक फाउंडेशन सो आज मैं आप मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ अपने फेस में लाइन ड्रॉ करूँगी ऑल ओवर फेस में देन उसे मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी बहुत लाइट कवरेज है सो लाइट लुक के लिए आपका लाइट कवरेज बहुत ही अच्छा जाता है और इसे मैं ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी सो so, आप चाहो तो ब्यूटी प्लेंटर से ब्लेंड कर सकते हो ये डिपेंड्स करता है कि आप किससे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो सो so, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी नेक्स्ट मैं मूव होंगी कंसीलर पे सो so, आज मैं यहाँ पर ले रही हूँ एस एफ आर कलर करेक्शन जिसमें ऑल ओवर सारे शेड होते हैं उससे मैं कंसीलर शेड पिक करूंगी और एक ब्रश के हेल्प से अपने अंडर आई को कंसील करूंगी अपने लिड में अप्लाई करूंगी एंड देन ब्रिज ऑफ द नोज एंड थोड़ा सा फॉर हेड में जो भी इसमें लगा होगा उसे से मैं अप्लाई कर लूंगी देन इसे फिर मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्रश के हेल्प से फेस को सेट करने के लिए आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं सो so, मैं यहाँ पर मैट लूज सेटिंग पाउडर ले रही हूँ और इसे जहाँ पर भी मैंने कंसील किया था वहाँ पर मैं पाउडर से सेट कर लूँगी अंडर आई जहाँ पर भी मैंने कंसीलर किया था क्योंकि मेरा ड्राई स्किन है सो so, जो भी एरियाज मैंने कंसील किया था वहीं पर जस्ट सेट करूँगी अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको ऑल ओवर फेस जो है सेट करना पड़ता है देन ब्रावो फिल करने के लिए यहाँ पर मैं टू इन वन शेड ले रही हूँ जिसमें वन साइड आपका ब्लैक अदर साइड ब्राउन होता है पेंसिल और अपने जो भी मेरा नेचुरल शेप हो उसमें ब्राउन से एंड ब्लैक का मिक्स करके मैं आउटलाइन और उसको फिल इन कर लूँगी देन एक पोली ब्रश के हेल्प से इसको मैं अच्छे से स्मच कर दूंगी ताकि जो शेड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक नेचुरल इफेक्ट आए अगर आपके पास नहीं है आप कोई भी शेडो ब्लैक एंड ब्राउन का हेल्प लेके आप फिल इन कर सकते हैं देन मैं यहाँ पर न्यू न्यूड हुडा ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ट्रांसिशन पिक कर रही हूँ कलर जो कि ब्राउन शेड है एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से अपने ऑल ओवर लिट में मैं इसे अच्छे से प्लेस कर दूँगी और ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से देन एक फ्लैट ब्रश में कंसीलर लूँगी और उससे मैं बहुत ही लाइट हैंडेड जैसे हम विंग क्रिएट करते हैं एक लाइनर लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग में इसको पहले प्लेस देन एक कंसीलर शेड पाउडर लूंगी जो कि सेम आपको पैलेट में मिल जाता है या फिर आप चाहो तो जो भी आप पाउडर या कॉम्पैक्ट है वो भी इसको ले सकते हैं और इसी के ऊपर जस्ट मैं प्लेस करूंगी ये है कंसीलर शेड इसके नेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी शेड का जो है विंग क्रिएट कर सकते हैं सो so, आज मैं यहाँ पर लिक्विड आई शेडो पिक करूंगी सिल्वर कलर का उससे जस्ट पहले सेम ट्रांजिशन कलर में अपने लोअर लैश में भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्राउन शेड नेक्स्ट सिल्वर कलर का हिलैरी रॉडा लिक्विड आई ले रही हूँ और जस्ट उसी के ऊपर मैं इसे एक नॉर्मल uh, जैसे लाइनर लगाते हैं विंग के साथ उसी के ऊपर प्लेस करूंगी बहुत ही नेचुरल क्लासी लुक आता है और इवनिंग लुक के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपके पास इसके अदर शेड हैं गोल्डन या ग्रीन या ब्लू आप वो भी कर सकते हैं तो इसे मैं उसी के ऊपर प्लेस करूंगी एंड विंग क्रिएट करूंगी दैट इज ऑल और देन इस लुक के साथ मैं कोई भी फॉल्स लैश भी नहीं लगा रही हूँ बहुत ईजी सा सिंपल सा लुक है एंड इसके बाद मैं एक काजल लूंगी आप कोई भी काजल ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं ग्लैम सीक्रेट का ब्लैक कोल काजल ले रही हूँ और इसे अपने बॉटम वाटर लाइन पर प्लेस करूंगी और साथ ही साथ इनर आउटर लाइन अपर वाटर लाइन पर भी इसको मैं प्लेस कर रही हूँ इसके बाद एक बुलेट ब्रश के हेल्प से जस्ट मैं उसको स्मोक आउट करूंगी लाइटली बहुत हल्के सा तो आप देख सकते हो मैं अपने बॉटम लैश को हल्का सा स्मोक आउट कर रही हूँ सेम ब्रश के हेल्प से एंड एंड में इसको कंप्लीट करने के लिए मैं मस्कारा कोट करूंगी सो मैं मैक का मस्कारा ले रही हूं और अपर लैश एंड बॉटम लैश अच्छे से इसको मैं कोट कर लूंगी नेक्स्ट आपको भी ब्राउन शेड लेके आप ब्राउनजर कर सकते हैं बट मैं पूरा पूरा ब्राउनजर नहीं करी। कर रही जस्ट अपनी नोज को कॉन्ट्रॉर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर आप चाहो तो कर सकते हैं अदरवाइज आप टोटली इसे स्किप कर सकते हैं तो इसे मैंने नोज को एक एंगल ब्रश की हेल्प से इसे कॉन्ट्रॉर कर लिया है नेक्स्ट यहाँ पर मैं रेवलॉन का ब्लश ऑन ले रही हूँ जिसका शेड है पीच और इसे मैं अपने एप्पल ऑफ चीक में स्माइल करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड हाइलाइटर के लिए यहाँ पर मैं आज स्टिक हाइलाइटर ले रही हूँ जो क्रीमी टेक्सचर का होता है और इसका शेड है पीची और सिल्वर और इसे जो भी हमारे हाई पॉइंट ऑफ फेस होते हैं जहाँ पर लाइट का इफेक्ट पड़ने से ग्लोई लगता है वहाँ पर आप इसको प्लेस करके अच्छे से मैं फिंगर टिप्स इसको ब्लेंड कर लूँगी बहुत नेचुरल से इफेक्ट आता है अगर आप ये क्रीमी या टेक्स्चर वाला कोई भी हाइलाइटर यूज करते हैं तो ये इन साइट का है जो मैं आज अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं सेम अगेन कंसीलर शेड जो पिक कर रही हूँ और उसी से आज मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी जिसे बहुत नेचुरल लुक भी आता है तो बहुत न्यूट लुक है बालों के लिए मैंने यहाँ पर हाफ ऑफ माई क्राउन सेक्शन को मैंने अच्छे से पोनी बना लिया एंड आगे की तरफ खींचा है लिपस्टिक लिए ब्राउन शेड का मैं पेंसिल ले रही हूँ इसे आउटलाइन करूंगी एंड फाइव नाइनटी फोर लोटस का लिपस्टिक ले रही हूँ जिसका शेड है चॉकलेट ब्राउन और इसके ऊपर मैं इसे कोट कर लूंगी अगेन इसमें थोड़ा सा हैक है इसके नेक्स्ट में थोड़ा सा फिंगर टिप में कंसीलर या फाउंडेशन आप ले सकते हैं और इसे के जस्ट ऊपर सेंटर में मैं इसको प्लेस करूंगी

Then last में मैं कोई भी ग्लॉस ले लूँगी किसी भी लिपस्टिक का जो कि न्यूड एंड ट्रांसपेरेंट शेड होता है जिस इसके ऊपर मैं इसको प्लेस करूँगी बहुत ही अच्छा सा ग्लॉसी न्यूड शेड आएगा सो दैट इज ऑल लुक। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा की वीडियो आपको कैसी लगी है किस टाइप की वीडियो देखना चाह रही मुझे बता सो थैंक्स फॉर वॉचिंगीडियो